आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने नोटिस जारी किया था कुछ दिन पहले, जो कि RJD आवाज जाकर के नोटिस हाथों हाथ थमाया गया था। आज लालू यादव की ईडी कार्यालय में पेशी हुई है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आपको बता दें लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव को ईडी का समन गया था और लगातार अभी लालू प्रसाद यादव से पूछताछ जारी है। सरकार बदलने के बाद लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, या तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार बदलने के बाद पूरे लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं बढ़ चुकी हैं। अभी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद के जितने भी समर्थक हैं और ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, मीसा भारती भी जो उनकी बेटी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ अधिकारियों से बात करने के लिए वह गेट पर इंतजार कर रही हैं कि हमारे पिताजी का चलने फिरने उठने में दिक्कत होता है, उनकी सहायता की जाए उठने बैठने में। इसके लिए मीसा भारती भी यहाँ पर आई हुई हैं और कई घंटे तक यह पूछताछ चलेगी। जी लालू जी इस वक्त ईडी ऑफिस में हैं और आप लोग यहाँ हैं, कैसी हालात है? तबीयत भी खराब बताई जा रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है, उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है। हम देख रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव अभी भी कार्यालय के अंदर हैं और इन तक के ऊपर लैंड फॉर जॉब मामले में यह पूछताछ चल रही है और यह पूछताछ तकरीबन शाम तक चलेगी। और आपको बता दें कि मीसा भारती भी यहां पर ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और अपने पिताजी से तबीयत को लेकर के कुछ अधिकारियों से बात करने के लिए गेट पर इंतजार कर रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि गेट पे मीसा भारती से बात करने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।